गर्ल्स का ये होता है कि उनकी थोड़ी बड़ी हुई हैं, शादी का सोच लेते हैं, उनकी मैरिड लाइफ हो जाती है, ठीक है। लड़के हैं वो भी शादी करवा लेते हैं, फिर उसको थोड़ा सेट करते हैं, थोड़ी सी जॉब कर लेते हैं या अपना कोई कारोबार सेट कर लेते हैं। लेकिन और हमारी फैमिली में आप अगर किसी भी फैमिली को देख लें, कोई एक बंदा बहुत मुश्किल से, बल्कि एक टाउन में, पूरी सोसाइटी में एक बड़ी मुश्किल से होगा कि जो रिसर्च करे बैड सिचुएशंस और नेगेटिव पीपल्स। तन्हाई में बैठ के खुद को एनालाइज करेंगे, अपने इन्वायरमेंट को एनालाइज करेंगे, रिसर्च करेंगे और भाई को सेंड कर दिया और भाई ने कमेंट कर दिया गुड, अच्छा, बहुत अच्छा है, वही मैंने स्क्रीनशॉट लिया और वो एडमिन को सेंड कर दिया। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ आमिना मौजूद हैं, ये उकाड़ा के एक नज़दीकी जो है आप समझ लें गाँव है, कस्बा है, बंगला वगैरह, वहाँ से माशाल्लाह से ताल्लुक़ रखती हैं। ये हमारी बैच 3 की स्टूडेंट हैं, माशाल्लाह बहुत ही टैलेंटेड हैं, इनके पास बहुत सारी स्किल्स हैं। लेकिन हम इंटरव्यू करने से पहले हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की, ये इंटरव्यू दूसरे इंटरव्यू से जो है ना मुख्तलिफ होना चाहिए। आज इंशाल्लाह मैं आमिना अपी को जो है वो आज मौका दूंगा कि ज़्यादातर आज वही बोलेंगी, लेकिन इनके पास बेशुमार स्किल्स हैं। लाइक इनको बाइक चलानी आती है, इसके अलावा क्या शेर व शायरी करनी आती है, इसके अलावा ये गेस्ट ब्लॉगर भी हैं, साथ साथ ये एक अच्छी कंटेंट राइटर भी हैं, मैनुअल कंटेंट राइटिंग माशाल्लाह। और इन्होंने गेस्ट पोस्टिंग में खूब मेहनत की, लेकिन इन्होंने पैसे जो है कंटेंट राइटिंग से कमाए। इनकी स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त है, ये इनके पास इंटरव्यू से पहले भी हमने इनसे बात की, इनके पास बताने को बहुत कुछ है। तो आज की जो है वीडियो में मैं कम बोलूँगा इंशाल्लाह, आमिना भी आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से गाइड करेंगे, और इसके अलावा फिर हम इंटरव्यू को वाइंड अप करेंगे। इन्होंने माशाल्लाह इन्हें एक बहुत अच्छा क्लाइंट मिला हुआ है जो डेली के इन्हें 1500 PKR यानी कि 1500 PKR देता है एक आर्टिकल के। तो ऐसे हैं माशाल्लाह, काबिल हैं, इन्होंने सेल्फ राइटिंग की हुई है, अब माशाल्लाह इनकी जो है स्टार्ट हो गई है एज अ जॉब समझ लें कॉन्टेंट राइटिंग की। आज सारा एक्सपीरियंस हम इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा आमिना आप बताइए, इनको आपने गेस्ट पोस्टिंग का कहाँ से स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद वो जो आप बताना चाह रहे थे वो बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक्स टू अल्लाह अलमाइटी हु गेव मी दिस चांस टू प्रूव माई सेल्फ। टुडे आई वांट टू टेल यू अबाउट माई ऑनलाइन बिजनेस। के बहुत सारे लोग समझते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस फेक है, बट मैं, मेरी अचीवमेंट ही ऑनलाइन बिजनेस से है, मेरी सक्सेस, मेरी कामयाबी का राज ही ऑनलाइन है, और मैंने ये सर की एकेडमी से ये सब कुछ सीखा है। इससे पहले मुझे गेस्ट पोस्टिंग के बारे में या कंटेंट राइटिंग के बारे में कुछ भी हाउ नो नहीं था। मैंने इधर आने से पहले कुछ सर की वीडियोस देखी थी, बट मुझे स्टार्ट करना नहीं आ रहा था कि मैं स्टार्ट कहाँ से लूँ। तो जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे एक ऐसा इन्वायरमेंट मिला कि मेरी लर्निंग जो है वो प्रॉपरली हुई, ठीक है। आप वहाँ पे भी बैठ के ऑनलाइन भी कर रहे हैं, ठीक है, वेल एंड गुड है, बट जब आप एक फिज़िकली वो चीज़ फेस टू फेस करते हैं तो आपकी लर्निंग जो पावर है वो इंक्रीज होती है, इम्प्रूव होती है। बिल्कुल, असल में ऐसे आपने मेरी वीडियो सजेस्टेड में सुनी थी, मतलब आप स्क्रॉल डाउन कर रही थी यूट्यूब को, तो वहाँ से मेरी वीडियोस आई। अच्छा ये बताइए, आप बैच 3 के स्टूडेंट हैं, आपको बैच 3 का जो है एक्सपीरियंस अबाउट गेस्ट पोस्टिंग क्लास कैसा रहा है? गेस्ट पोस्टिंग के लिहाज से अच्छा था एक्सपीरियंस, बहुत कुछ सीखने को मिला है, वो बातें भी सीखी हैं जो हमने पहले कभी नहीं सीखी थी। इवन सर की मोटिवेशन से मैं आज इस मुकाम पे हूँ कि मेरा एक उस्ताद इंटरव्यू कर रहा है, ये मेरे लिए कुछ एजाज से कम नहीं है। एक्चुअली आप बड़ी मेहनत करती हैं, मैं अक्सर रात को आपको देखता हूँ, आप अक्सर अवकात क्वेश्चन भी कर रहे होते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं, तो आप, मैंने एक दो बार आपके स्टेटस भी देखे थे कि आप सेल्फ लर्निंग पर लगे हुए थे माशाल्लाह, लेकिन ये है कि आप डिज़र्व करते थे इसीलिए जो है आपको बुलाया। लेकिन यह है कि आप अक्सर अवकात मैंने देखा है आप छुट्टी नहीं करते थे, आप रेगुलर क्लास में आते रहे, तो इसका भी बड़ा एक पावरफुल जी पड़ता। मेरे ये सोच है कि अगर तो इंसान एक काम कर रहा है तो उसको 100% दे, या तो करे या तो ना करे, जैसे कि सर बताते हैं। और मेरी ये अपनी एक सोच है, मेरा अपना एक ज़मीर है कि मैं अगर इस काम में, एक काम करने में लग जाऊँ तो उसको मैं पूरा किए बगैर नहीं छोड़ती। तो मैं, हर लड़की में एक अलग खसूसियत पाई जाती है, मेरे में अलग खसूसियत है, मैं इतनी ज़्यादा बोलने वाली लड़की नहीं हूँ, खामोश तबीयत नहीं हूँ, और दूसरे नंबर पर मैं जल्दी किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं करती, मुझे थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा एक और बात, ये मैं अभी आपके जो है ना, मैंने इंटरव्यू से पहले बात बताई, आपको जो बाइक चलाना भी आता है, आप कह रहे थे हम ना डिफरेंट इंटरव्यू करेंगे, और साथ ही साथ आपको शायरी भी आती है, अभी आप डायरी भी दिखा रहे थे माशाल्लाह, आपने बहुत सारी पोइट्री लिखी है, चलें वो भी बताइए इनको
ताकि इंटरव्यू दूसरे इंटरव्यू से थोड़ा डिफरेंट हो। बाइक चलाने का असल मकसद ये था कि मैं ना लोगों को देखती थी, ये लोगों की नज़र में तो ये बाइक एक मामूली चीज़ है, लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वो इस तरह कि मुझे इतना हैरत होती थी कि ये सब बाइक चला रहे हैं तो मैं क्यों नहीं चला सकती, अगर ये चला सकते हैं तो मैं भी चला सकती हूँ। ये नहीं है कि ये लड़कियाँ तो मैं लड़की हूँ, ये फ़र्क नहीं है। अगर ये छोटे छोटे बच्चे जिनके पाँव भी ज़मीन पर नहीं लगते वो भी चला रहे हैं तो मुझे भी ये चलानी चाहिए। मेरे अंदर ये जुनून था और यही चीज़ है जिसमें जुनून होता है ना, जो बंदा पागल होता है अपने गोल्स को लेके, अपनी अचीवमेंट को लेके, वो ग्रो कर जाता है, जल्दी ग्रो कर जाता है। और साथ ही साथ और मैं अपनी फैमिली में पहली लड़की हूँ जिसने बाइक चलानी सीखी है माशाल्लाह। वैसे ये काम तो चीज़ें खिलाफ है आपके कि आप इसको नहीं चलाएं, ये मर्दों का काम है, लेकिन ये कि चले अच्छी बात। चोटें भी लगी हैं लेकिन फिर भी मैं बाज नहीं आई, तो मैंने ना बस इसको अपने शौक अपने जुनून को आखिर तक पूरा किया। ज़बरदस्त, लेकिन यही जुनून आप गेस्ट पोस्टिंग में साथ अब आप कंटेंट राइटिंग में लगा रहे हैं तो माशाल्लाह उसका इम्पैक्ट भी आ रहा है। अच्छा ये बताइए, जो बच्चे यूट्यूब पर कर रहे हैं कोर्स बेचारे और कुछ ऑनलाइन भी लगे हुए हैं, आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? वो तो लगता है उनको कहीं कर ही नहीं पाएंगे, सर आएंगे या फिजिकली पता नहीं यहाँ पर कोई ऐसा जादू है जो YouTube पे नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ना आप अगर किसी फील्ड में लगे हैं ये मैटर नहीं करता ऑनलाइन है या कोई भी फील्ड है, उसमें आप अपना 100% डालें और रिजल्ट अल्लाह पे छोड़ दें। बिल्कुल ठीक है, कामयाबी अल्लाह ताला आपको जरूर देगा क्योंकि अल्लाह ताला किसी भी बंदे की मेहनत को नहीं रायगा नहीं करता और अपने ऊपर एहसान नहीं रखता किसी की भी मेहनत का। बिल्कुल, और यही बात है, हम ना अपना 100% नहीं दे पाते, हम दूसरों पे डाल देते हैं कि इस तरह होगा, ये ऐसे होगा, इंटरनेट नहीं है, बहाने ढूंढते हैं। लेकिन ये कि अगर देखें आप एक लड़की हो के और आप इतनी दूर से 40 मिनट का फासला है आपके इधर अकेडमी और आप इतना डेली का ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये लोग तो वेले घर बैठे भी और फारिक चारपाइयों पे बैठ के आप कुर्सियों पे बैठ के हमारी जो आवाम है ना, हमारी जो सोसाइटी है ये दो लोगों पे डिपेंड करती है। हमारी यूथ उसमें दो लोग आ जाते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़। ठीक है, गर्ल्स का ये होता है कि उनकी थोड़ी बड़ी हुई हैं, शादी का सोच लेते हैं, उनकी मैरिड लाइफ हो जाती है। ठीक है, लड़के हैं वो भी शादी करवा लेते हैं, फिर उसको थोड़ा सेट करते हैं, थोड़ी सी जॉब कर लेते हैं या अपना कोई कारोबार सेट कर लेते हैं। लेकिन हम अगर डिवेल्प्ड कंट्रीज़ को देखें, हमारी जो कंट्री है वो डिवेल्पिंग है, डिवेल्प्ड नहीं है, डिवेल्पिंग है। तो अगर हम बाहर के मुल्कों को देखें तो वो रिसर्च करते हैं, उनकी फैमिली का हर फर्द रिसर्च करता है। और हमारी फैमिली में आप अगर किसी भी फैमिली को देख लें, कोई एक बंदा बहुत मुश्किल से, बल्कि एक टाउन में पूरी सोसाइटी में एक बड़ी मुश्किल से होगा कि जो रिसर्च करे। बिल्कुल, और एक बात ये है कि हमारे ना काम करने वाले भी मकदार बहुत कम है, ये तो मैं ये कहना चाह रही थी कि हम सर की पर्सनैलिटी को ही देख लेते हैं। ये अगर तो मैं सर से क्वेश्चन करना चाह रही हूँ कि अगर सर की लाइफ में वो सर्कमस्टेंसेस या वो सिचुएशन ना होती तो क्या आज आप यहाँ होते? ऐसे ही ये चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं स्टार्ट में मुश्किल ही होता है, स्टेप बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हैं, जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं, मेहनत करते जाते हैं, चीज़ें आप होती जाती हैं। लाइफ में ना आप लोग आपको दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, एक तो आपको कोई सपोर्ट करने वाला हो, ठीक है, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं और आपका कोई भी वेल विशर हो सकता है। और मेरा ये यकीन है कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसका कोई वेल विशर ही ना हो। अल्लाह ताला ने कोई ना कोई वेल विशर, कोई ना कोई सपोर्टर ज़रूर बनाया था जो आपकी बैक पे थपकी दे, आपके बैक पे सपोर्ट हो। ये तो होगी सपोर्ट की बात, ठीक है, ये आपको सिर्फ पुश करेगी, सपोर्ट देगी, बट जो आपको कामयाबी की तरफ लेके आएगी वो आपके बैड सिचुएशंस और नेगेटिव पीपल्स। जब तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको इग्नोर कर देते हैं, आप इनसे चैलेंजेस एक्सेप्ट करें। अगर वो आपको ये सिचुएशन आ रही है आप वो उसको एक्सेप्ट करें और उस पर रिस्क लें। जो इंसान रिस्क लेता है वही कामयाब हो जाता है, और रिस्क यू कैन से दैट रिस्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। बिल्कुल, अच्छा ये बात भी है, वैसे नेगेटिव पीपल ये सारी चीज़ें ये आपके मोटिवेशन में आपके ऊपर जाने में इनका बड़ा एक किरदार होता है। चलें गुड, अच्छा ये बताइए कंटेंट राइटिंग का जो आपको क्लाइंट मिला है वो कहाँ से मिला है और इतना सेटिस्फेक्शन उसको कैसे हुई और कंटेंट राइटिंग आपको कैसे आ गई? आप तो यहाँ गेस्ट पोस्टिंग सीख रहे हैं। जी, तो गेस्ट पोस्टिंग में मैंने अपना 100% दिया, दिन रात एक करके, ठीक है, मैंने नहीं देखा कि मुझे कोई क्लाइंट मिल रहा है नहीं मिल रहा, बस मैं लगी रही। लेकिन जब SEO की हमारी क्लासेस मैनुअल राइटिंग की स्टार्ट हुई
तो सर ने वो फ्री रखी हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है मैनुअल राइटिंग और इसके बाद SEO की ना, तो मैंने ये देखा कि इसकी भी वैल्यू है, मैं इसमें भी अपना 100% डालूंगी। तो जैसे कि मैं डीप थिंकर हूँ, ठीक है, रिसर्च करने के लिए आपको सबसे पहले डीप थिंकर बनना पड़ेगा, और वो डीप थिंकर आप कैसे बन सकते हैं, जब आप अल्लाह ताला से बातें करेंगे तन्हाई में बैठ के, खुद को एनालाइज करेंगे, अपने इन्वायरमेंट को एनालाइज करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आप बहुत क्रिएटिविटी ला सकते हैं अपने कंटेंट में, अपने रिसर्च में। जी अच्छा, ये बताइए क्लाइंट आपको कहाँ से मिला? क्लाइंट मुझे मिला फेसबुक से, जिसे लोग समझते हैं कि, मैं भी पहले समझती थी कि इट्स अ फेक बुक, इट्स अ फेक बुक, बट मुझे फेसबुक से ही क्लाइंट नहीं एडमिन मिला। माशाल्लाह जबरदस्त जी। अच्छा, तो वो आपको दे रहा है डेली बेसिस? उससे पहले मेरी डील हुई थी गेस्ट पोस्टिंग के हवाले से, उसकी वेबसाइट्स थी 70+ वेबसाइट्स, तो उसने मुझे शो करवाई, मैंने उस पर ना वर्क किया, क्लाइंट ही मिला। लेकिन मेरी ना उससे टॉकिंग होती रहती थी डेली बेसिस पे, कभी वीकली हो गई, गुड मॉर्निंग या कोई अच्छी सी पोइट सेंड कर दी या पोइट्री ये वो ना। तो एक दिन ऐसा आया कि ना शुएब भाई हमारे सीनियर जो हैं, उन्होंने मुझे आर्टिकल सेंड, कीवर्ड सेंड किया कि मुझे इस पर ना कंटेंट आप राइट करके दो, ठीक है। तो मैंने उस पर अपना ना फुल फोकस करके ना, सारे जितना भी गूगल में डाटा था ना, सारा उसको करके ना अपनी सेल्फ राइटिंग कर दी उसके ऊपर, और भाई को सेंड कर दिया, और भाई ने कमेंट कर दिया गुड, अच्छा, बहुत अच्छा है। वही मैंने स्क्रीनशॉट लिया और वो एडमिन को सेंड कर दिया। तो एडमिन हैरान हुआ कि अच्छा ठीक है, उसने मुझे ना वही कीवर्ड सेंड किया, उसने मुझे एक सेपरेट कीवर्ड सेंड किया, वो कहता मुझे चलो आप ये दिखाओ इस पे कि आप कितने पानी में हो। उसने मुझे यही कहा कि मैं चेक कर लेता हूँ आप कितने पानी में हो। मैंने कहा ओके डोंट वरी, मैं कर दूँगी। तो जब मैंने उसको किया सेंड किया, दो दिन में मेरी ना रिसर्च कंप्लीट हुई। बेसिकली काफ़ी रिसर्च में टाइम लगता है, मैं टूल से नहीं लिखती, मेरी खुद की क्रिएटिविटी होती है, ऑर्गेनिक काम कर दी है माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए, अभी तक आपने कितने आर्टिकल उसको लिख के सेंड कर दिए? आज भी आप बता रही थी कि आज भी मैंने किया उसको, तकरीबन मैंने 1 वीक में 5 आर्टिकल सेंड कर दिए। माशाल्लाह जबरदस्त, एक आर्टिकल आप 1500 चार्ज। और उसको मेरे इतने आर्टिकल, पहला आर्टिकल उसको इतना पसंद आया और वो उसने मुझे हायर कर लिया अपनी वेबसाइट्स के लिए कि मुझे डेली बेसिस पे आर्टिकल चाहिए। और फिर मैंने कहा डेली बेसिस पे तो मुश्किल, क्योंकि ये रिसर्च बेस है, तो मैं ना आपको 2 दिन में एक आर्टिकल राइट करके दे सकती हूँ। चले नहीं, माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा ये हमारे साथ आमना थी माशाल्लाह, अब आपके पास क्या बहाना है? देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इन्होंने इंटरव्यू में बातें की, कितना ज़बरदस्त हमें इन्होंने जो है ना बताई बातें, कितना कुछ आपको इनकी वीडियो से, इनकी बातों से सीखने को मिला। हम इंशाल्लाह कभी गुफ्तगू हुई तो हम इनके साथ लॉन्ग वीडियोज़ भी बना लेंगे, ताकि और भी चीज़ें हम इनसे सीखने को मिलें। एक तो यह है कि हमसे बड़ी हैं और हमारी सीनियर हैं, नो डाउट ये गेस्ट पोस्टिंग में हमारी जूनियर हो सकती हैं, लेकिन वैसे एक्सपीरियंस में इनके माशाल्लाह शादी हुई है, इनके माशाल्लाह बच्चे हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ भी ये यहाँ पे आ रही हैं, टैकल कर रही हैं। आज भी इंटरव्यू था लेकिन मैं गाँव था, मैं पहुँच नहीं पाया, मैंने इनसे आके माजरत की है, लेकिन फिर भी ये बैठी रही माशाल्लाह, वेट करती रही हैं। और मेरी दुआ है आमना पी, आपको अल्लाह पाक मज़ीद कामयाबियाँ दे, तरक्कियाँ दे। और आपका अब क्या बहाना है? अगर आपका बहाना चल रहा है कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मे बी उस बहाने का हम कोई ना कोई सलूशन निकाल लें। और आप सारे बहाने लिखेंगे तो हम उस सारे बहानों पे वीडियोस बना लेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।